प्रणव शर्मा जी ने कमेंट किया, भाई तुम इतने ही बातें बोल रहे हो तो जरा एक बात बताओ, तुम ये YouTube से क्यों कमाना चाहते हो? तुम खुद खुद क्यों नहीं कर लेते ट्रेड? इतने जादूगर बनते हो। तो बात तो सही है एकदम। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस कोट पर लेके जाना चाहूँगा, और इनको भी जवाब दूंगा और उनको भी जवाब देना चाहूँगा। हालांकि उनको जवाब देने का मेरी इतनी औकात नहीं है, या फिर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, वो तो हमसे 1000 1 लाख टाइम बड़े हैं, बड़े निवेशक रहे हैं और बड़े बड़ा ही नाम कमाया उन्होंने। फिर भी उनकी उनके इस तरह के कोट से लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो कोट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं। ये नॉर्मन अगस्टिन जी ने लिखा हुआ है, इफ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट वर सो एक्सपर्ट दे वुड बी बाइंग स्टॉक्स नॉट सेलिंग एडवाइस। बहुत सही बात है। तो ये एक यहाँ पर एक चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा कि दे वुड बी बाइंग स्टॉक, स्टॉक तो बाय करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन सेबी के कंप्लायंस के अंदर, नॉट सेलिंग एडवाइस। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक कहानी से जोड़ता हूँ इसको। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी जो हाथी का बच्चा रहता है, जो सर्कस में रहता है, वो हाथी के बच्चे को बचपन से ही संकल बांधी जाती है ताकि वो इधर उधर भागे ना, और जब वो बड़ा होता है तब उसके पैर में संकल नहीं बांधी जाती, क्योंकि उसकी वो आदत पड़ चुकी होती है, क्योंकि उसका ये पहले से एटीट्यूड बन चुका होता है कि ये यहाँ से मुझे भागना नहीं है, मुझे यहीं खड़े रहना है, चाहे उसके पैर में संकल हो या ना हो। 2004 से इस मार्केट में हूँ, ऑलमोस्ट 19 साल हो चुके हैं। पहले दिन भी रिसर्च कर रहा था और आज भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो जब हमारी नींव रखी गई थी मार्केट में, तब भी एज ए एनालिस्ट रखी गई थी, और आज भी एज ए एनालिस्ट की तरह मैं काम कर रहा हूँ। तो जिस तरह से वो हाथी है, उस हाथी के बचपन में उस संकल बांधी गई थी, और उस संकल की वजह से वो अपने जब युवा अवस्था में आता है, जब वो सर्कस में काम वाम करने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो वो भागता नहीं है। इसका मतलब उसको संकल की जरूरत है नहीं, अलग बात है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, उसकी वजह से हमारा भी माइंडसेट सिर्फ एक ही जगह फोकस्ड है कि हमें रिसर्च बनानी। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो आप लोग काम भी कैसे करेंगे? आप लोग सारा काम नहीं कर सकते। तभी तो डॉक्टर बने, तभी तो इंजीनियर बने, तभी तो एलन मस्क बने हैं, अलग इंसान बने हैं जो इन्वेंट कर रहे हैं चीज़ों को। आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना के, या फिर कोई ऐसा स्पेस में जाने के लिए कोई रॉकेट नहीं बना सकते, वो एलन मस्क बना सकते हैं। तो हर चीज़ों के लिए एक स्पेशल बंदा बना हुआ है, उस बंदे ने उस तरह की ट्रेनिंग ली हुई है, और उस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और आप लोगों के समक्ष ला रहा है। तो अगस्तिन जी को भी ये जवाब है मेरा, हालांकि मैं इतना इतनी इतनी औकात नहीं रखता हूँ कि इनको कोई जवाब दे पाऊँ, लेकिन प्रणव शर्मा जी को बता सकता हूँ कि भैया पहले दिन से आज तक रिसर्च ही करी है। तो आई होप मैं यहाँ पर क्लियर हूँ।